जब जब बाय द टाइम जब हम लोग 1950 में पहुंचा, जब ब्रिटिशर्स फाइनली चला गया, तो तब क्या है, ये परसेंटेज आ गया था 4% 3%। तो इससे आपको पता लगता है कि ब्रिटिश राज की वजह से हमारा क्या हाल हुआ। जो अभी हम लोग बात करते हैं इंडिया पिछड़ा देश है, वो एक तरह से इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि ज्यादातर हमारा संपत्ति बाहर जा चुका था, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे उसके बाद 1947 के बाद आजादी हो गई इंडिया को, है ना। उससे 1991 तक इंडिया का थोड़ा काफी हालत खराब था, क्योंकि हम लोग क्या कर रहा था, हम लोग उस वक्त गरीब देश था, तो हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बाहर के साथ ज्यादा बिजनेस नहीं कर रहा था अपने में ही, क्योंकि बाहर के साथ बिजनेस करेगा तो क्या होगा, घाटा हो जाएगा ना, क्योंकि उन लोगों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता, वो लोग इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज है उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएगा ना। इस पे पिछला क्लास में हम लोग बात किया था। तो धीरे धीरे फिर क्या हो, इंडिया में डेट बहुत बढ़ गया 1991 में, यानी इंडिया अपना जो उधारी, मैंने आपको बताया ना कि बाकी जो टैक्स से कंपनी से पैसा नहीं आता, बाकी एंड में क्या करता है, देश उधार ले सकता है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। तो ऐसे ही 1991 में इंडिया का हालत बहुत खराब हो गया था, तो वो ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन डॉलर उधार लिया वर्ल्ड बैंक से उधार लिया 1.8 बिलियन डॉलर्स का, बहुत ज्यादा पैसा है, है ना। हाँ, वर्ल्ड बैंक इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, स्विट्जरलैंड, मैं भी पता नहीं है। 1991 में इंडिया को लोन लिया, लोन लेगा तो क्या है, वापस तो करना पड़ता है ना कभी। और अब जिस तरह का हम लोग बिजनेस नहीं करने दे रहे, सब कुछ गवर्नमेंट चला रहा था, तो पैसा तो नहीं बनेगा ना, प्रॉफिट ज्यादा नहीं बनेगा, गवर्नमेंट अगर कंपनी चला रहा है, समझ रहे ना, बार बार गवर्नमेंट क्या है, उस समय नेहरू पहला प्रधानमंत्री था, तो हम लोग कोशिश करता कि गरीब लोगों का मदद करना है, लेकिन क्या है, सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं हो पा रहा था कि वो मदद कर सके। फिर फाइनली 1991 में तब था फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जानते ना, वो प्राइम मिनिस्टर भी था। तो मनमोहन सिंह ये लोग डिसाइड किया कि भारत का इकोनॉमी को हम खोल देगा। खोलने का मतलब क्या हुआ, कि बाहर का कंपनी आके यहाँ पे काम कर सकता है, तो इस चीज को तीन चीज बोला था हम लोग, LPG, L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले क्या था कि हर चीज, ज्यादातर चीजें कंपनीज गवर्नमेंट चलाता था, है ना। उस वक्त एक ही चैनल था, दूरदर्शन था, रेडियो भी एक ही चैनल था, ऑल इंडिया रेडियो, फोन भी एक ही होता था, MTNL गवर्नमेंट का, एयरटेल पहले कुछ नहीं था, तो पैसा इकोनॉमी में ज्यादा लोग पैसा नहीं खर्च पा रहे, ज्यादा पैसा बन ही नहीं पाता, ज्यादा गुड्स एंड सर्विस नहीं हो पा रहा था। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, सबसे बेसिक यानी लिबर्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, लिबर्टी भी एक उसी के जैसा मान भी नहीं है उसका, आजादी। किसको आजादी, बिजनेसमैन को। अगर बाहर से कोई लोग एक्सपोर्ट करना चाहता है, इंपोर्ट करना चाहता है, तो उसमें ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, कर सकता है आसानी से, तो उससे क्या, वो बाहर से बहुत पैसा आने लग गया इंडिया में, कंपनीज, नया नया कंपनीज बनना। दूसरा प्राइवेटाइजेशन माने आपने खुद बनाते, जो भी गवर्नमेंट का काफी सारा जो गवर्नमेंट का कंपनीज था, बैंक वैंक था, उसको धीरे धीरे प्राइवेट होने लग गया, जैसे फोन के उसमें एयरटेल, वोडाफोन, ये सब आने लग गया, और क्या चैनल आने लग गया, ZTV, स्टार, ESPN, ये सब कई चैनल है, वैसे ही। और क्या प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ, एयरलाइंस प्राइवेट होने लग गया, किंगफिशर, स्पाइसजेट, ये सब आया। तो प्राइवेटाइजेशन वही कि सरकार की जगह प्राइवेट लोग कंपनी चला सकता है। और फाइनली ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब माने ग्लोब, तो ग्लोबलाइजेशन वही कि यानी हम अपना देश को पूरा ग्लोब से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कोशिश कर रहे हैं, अगेन बिजनेस से। अभी FDI, सुना FDI, बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पैसा बाहर से आ रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन में यही हुआ है कि बहुत सारा कंपनीज, बिजनेसमैन, ये सब अपना पैसा इंडिया में डालने लग गया। तो तब से फिर हमारा वापस जो, अगर इकॉनमी है ना, इकॉनमी ऐसे नीचे जा रहा था ना, मुगल के टाइम कैसे चल रहा था, ब्रिटिशर्स के टाइम में थोड़ा नीचे जाने लग गया, उसके बाद
ये सब लोग काम करता है उसमें, तो क्या है वो सबसे क्या होता है बेसिकली, क्या हो रहा है अगर बाहर का कंपनी आता है, बड़ा बड़ा बिजनेस आता है, क्या हो रहा है उससे, कैसे लेबर भी ना, बेसिकली जीडीपी बढ़ जाता है ना, क्योंकि ज्यादा चीजें बन रही है देश में और ज्यादा सर्विस हो रहा है लेबर, क्योंकि इम्प्लॉयमेंट है, लोग काम कर रहा है, तो इसके चलते अब जीडीपी वापस इंडिया में बढ़ रहा है, और इनफैक्ट अब इतना बढ़ रहा है कि अब इंडिया यानी जो अभी भी यूएस में तो बहुत आगे, यूएस यूरोप टॉप में है, यूएस चाइना ये सब, लेकिन इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ना बहुत जल्दी बढ़ रहा है, और लोग मानता है कि शायद 30-40 इयर्स में हम लोग चाइना और यूएस से भी शायद आगे पहुंच सकता है अगर इसी तरह काम करेगा, तो ये सब तो हम बड़ा स्केल से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी अगर हम स्कूल का बात करता है तो हम बहुत ऊपर से देख रहे हैं इन सब चीजों को, पूरे देश का इकॉनमी को एक तरह देख रहा है, तो ये सब देख के तो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया, लेकिन असल में आपको पता है क्या, बहुत प्रॉब्लम अभी भी है ना, जो कि हम क्या बोलते हैं कि 1% जो टॉप का लोग है ज्यादातर उन्हीं को फायदा हो रहा है ना, तो ये सब जैसे हम बात कर चुका है, जो टॉप का वो लोग है ज्यादातर, ये जो जीडीपी का जो प्रॉफिट है ज्यादातर बस जो टॉप का 1% लोग है, ये रिलायंस अंबानी यही लोग मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम से देखते हैं आगे कैसे चलेगा इंडिया, है ना, एक फिर जैसे हम अभी तो इंडिया में जीडीपी अगर देखेगा तो मेन तीन सेक्टर बोलता है कि तीन जगह से आता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, इसको प्राइमरी सेक्टर भी बोलता है, सेकेंडरी टर्शियरी 1-2-3 करके, अब इसमें आप देखो एग्रीकल्चर में इंडिया का जो 47% लोग एग्रीकल्चर में काम करता है, लेकिन जीडीपी उसका बस 17% है, इंडस्ट्री 22% लोग काम करता है लेकिन 26% जीडीपी, और फाइनली सर्विस बस 27% लोग काम करता है लेकिन 57% जीडीपी, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट इंडिया का अभी भी आधा लोग 47% यानी कितना आधा लोग ऑलमोस्ट आधा लोग चास करता है, लेकिन उस चास से ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, बस 17% देश का बस 17% आ रहा है, देख रहा है आधा लोग काम कर रहा है लेकिन बस 17% उसका जीडीपी का परसेंट है, ये रही चीज। वैसे इंडस्ट्री में क्या है 22% लोग काम कर रहा है इंडिया का पॉपुलेशन, अगर बेसिकली अगर इंडिया में 100 लोग है, है ना, 100 लोग है तो उसमें से 47 लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं लेकिन टोटल इनकम में से बस 17% बन रहा है एग्रीकल्चर से। वैसे अगर इंडस्ट्री में अगर 22 लोग काम कर रहा है लेकिन 26% इनकम इंडस्ट्री से आ रहा है, और फाइनली सर्विस जिसमें बस 27 लोग काम कर रहा है, 100 में से 27% काम कर रहा है लेकिन जीडीपी का आधे से ज्यादा 57% सर्विस से आ रहा है, मेनली कहां से आ रहा है, आईटी कंपनी जो कंप्यूटर कंपनी जो ये बैंगलोर में बड़ा बड़ा जो कंपनीज होता है, आउटसोर्सिंग सब सुना है आपने, आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर, कॉल सेंटर क्या होता है, कॉल सेंटर जैसे कोई भी, जैसे हर एक कंपनी का आजकल कॉल सेंटर होता है, अगर आपका कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गया, जैसे ये कंप्यूटर किसका है, डेल का है, तो आप डेल को फोन लगाएगा या फिर ईमेल करेगा कि मेरे कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम है ठीक करना है, वैसे एयरटेल आपका फोन में प्रॉब्लम आ रहा है या रिलायंस फोन है, तो आप उनको फोन करके, वो कॉल सेंटर होता है एक तरह से, है ना, तो ज्यादातर इंडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो उसका मतलब क्या होगा, लोग कम पैसा मांगेगा कि ज्यादा पैसा मांगेगा काम करने के लिए, ज्यादा पैसा मांगेगा, क्यों कम मांगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग, अभी देखो अगर मेरे को कुछ काम करवाना है किसी से, मेरे को एक पेज कुछ टाइप कराना है, अगर यहाँ पे एक भी लोग नहीं है जो टाइप कर सकता है तो मेरे को बाहर से किसी को लाना पड़ेगा ना पैसा देके, अगर यहाँ पे बस राम जी एक ही आदमी है जो टाइप करना जानता है, तो राम जी को मैं बोलूंगा तुम 10 रुपए में कर दो, बोलेगा नहीं, वो चाहे तो बोलेगा नहीं 100 रुपए 1000 रुपए, है ना, क्योंकि बस एक ही आदमी है, लेकिन अगर आप सब लोग टाइप करने वाला होगा तो क्या होगा फिर, मैं बोलेगा कि अच्छा
10 रुपए में काम करेगा कोई तो 5 लोग खड़ा करता है, उसके बाद फिर कोई तुम में से बोलेगा कि मैं 8 रुपए में कर देगा। तो बेसिकली बात क्या वही हुआ था कि डिमांड एंड सप्लाई वाला, इंडिया में लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई बहुत ज्यादा है उससे क्या होगा प्राइस कम होगा, है ना। तो इसीलिए क्या है बाहर का कंपनीज आता है और इंडिया में अपना कॉल सेंटर बनाता है, जिससे क्या है इंडिया में जो भी लोग है जो कम सैलरी में काम कर लेते हैं ना बेसिकली, उनका काम अगर वही चीज कॉल सेंटर को अपना देश में अमेरिका में रखेगा तो वही काम कराने के लिए उनको 10,000 रुपए देना पड़ेगा, यहाँ पे वो काम 1,000 रुपए में हो जाता है। तो काफी सारा पैसा सर्विस इंडस्ट्री किससे आ रहा है, आईटी जो है कॉल सेंटर के हिसाब से। तो बेसिक लेकिन प्रॉब्लम ये एग्रीकल्चर में आप देखो ये चीज है, इंडिया में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से काम करते हैं लेकिन पैसा बहुत कम है एग्रीकल्चर में, इसीलिए अब लोग धीरे धीरे अलग काम, ज्यादातर लोग शहरों में जाना चाहते हैं और सर्विस कुछ कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं ना, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रॉफिट कम है मेनली। 27 ब्लैक मार्केट मतलब जो लोग छुपा कर रखते हैं और छुपा कर रखते हैं उसके दाम उसके चीज चढ़ने के बाद, वैसा मार्केट जो सरकार से छुपा हुआ है जिसमें कोई टैक्स नहीं देता और ज्यादातर चीजें हो सकता है इलीगल हो, जैसे ड्रग्स बेच रहा है, गन्स बेच रहा है या फिर बॉम्ब बेच रहा है, ये सब ब्लैक मार्केट है। ठीक, तो ब्लैक मार्केट बेसिकली क्या है जिसमें ब्लैक मनी क्या हो गया जिसमें जिससे कुछ भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जाता है ना, टैक्स नहीं। ठीक, हाँ यानी लाइसेंस लेके खरीदेगा तो टैक्स देना पड़ेगा उसके भी सर, लेकिन वही अगर यानी आप क्या है यूपी में जाके तुम साइड में कोई फैक्ट्री में जाएगा वो 10,000 रुपए में तुमको गन दे देगा, जो सरकार को भी नहीं पता है, कुछ लाइसेंस नहीं ले रहा है ना, तुम बस किसी से गन ले रहा है खरीद रहा है, वही गन अगर तुम लाइसेंस लेके खरीदेगा तो शायद तुमको 50,000 देना पड़ेगा उस गन के लिए। तो लोग हाँ ब्लैक मनी क्यों करता है बेसिकली पैसा बचाने के लिए ताकि टैक्स ना देना पड़े, और मनी लॉन्ड्रिंग एक और चीज बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्डर का मतलब क्या होता है, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है, हाँ कपड़ा धोना बेसिकली, धोना है ना किसी चीज को, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होगा, पैसा धोना, हाँ पैसा को धोना एक तरह से, जो भी ब्लैक मनी है उसको मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा व्हाइट बनाना, व्हाइट मनी। व्हाइट मनी मतलब क्या, व्हाइट मनी जो कि लीगल लगता है जिस पे टैक्स दिया हुआ है या फिर ऐसा लगता है कि ये पैसा कहीं गलत जगह से नहीं आया, वो कैसे होता है थोड़ा आपको मैं समझाता हूं, बहुत सिंपल चीज। मैं एक कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक, मैं चौक बनाता है, ठीक, अब मेरा साल में मेरे को प्रॉफिट होता है 100 करोड़ का, लेकिन मैं क्या कर सकता है सरकार में जब टैक्स देना उसका टाइम आएगा मैं बोलेगा कि मैं बस मेरा प्रॉफिट बस 10 करोड़ है, अब बाकी 90 करोड़ का मैं क्या करेगा, एक तरह से ब्लैक मनी हो गया ना जो मैं नहीं दिखा रहा जिस पे टैक्स नहीं देगा, अब उस पैसे का मैं क्या कर सकता है 10 और छोटा छोटा कंपनी बना सकता है जो असल का कंपनी नहीं है वो बस पेपर पे है ना, और हर कंपनी से अलग अलग अपना टैक्स दे रहा है, यानी बेसिकली क्या मैंने बोला ना 2.5 लाख से कम होता है तो टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो बेसिक एग्जांपल मैं वही दे रहा है जैसे कि 2.5 लाख से कम टैक्स नहीं देना है, अभी अगर मेरा सैलरी 10 लाख है मान लो है ना, तो 10 लाख में तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अब मैं क्या करता है बोलते हैं मेरा सैलरी बस 2.5 लाख है और बाकी का जो 7.5 लाख है
और बाकी का जो 7.5 लाख है उसका मैं क्या करता है घर में छुपा के रखता है, घर में छुपा के रखता है वो तो ठीक है ब्लैक मनी, लेकिन अगर उसको मेरे को लॉन्डर करना है व्हाइट बनाना है तो मैं अब कर सकता है कि अपना बीवी के नाम से, अपना बच्चा अपना दोस्त के नाम से, अपना बीवी के नाम से फिर से 2.5 लाख, अपना बच्चा के नाम से 2.5 लाख, अपना दोस्त के नाम से 2.5 लाख। अब चारों को टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख से कम है ना, तो किसी को टैक्स नहीं दिया लेकिन पैसा तो टोटल वही रहा 10 लाख। वैसी कंपनीज भी करता है, एक बड़ा कंपनी की जगह छोटा छोटा कंपनी बना दिया ताकि टैक्स ना देना पड़े, और अगर उससे भी ज्यादा पैसा का बात है तो क्या करता है, यहाँ का इंडिया का पैसा बाहर किसी कंपनी में देश में बैंक में डाल दिया और वहां से फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे, यानी वहां पे जो दूसरा कंपनी बना रखा है वो डोनेशन के नाम पे आपका पैसा भेजेगा बैंक में, तो व्हाइट मनी हो गया। तो यही चीजें बहुत ऐसा ट्रिक्स होता है जिससे लोग अपना ब्लैक मनी व्हाइट बनाता है ना। और इस जो पेपर में कंपनी बोला है सच में नहीं बोला है, हाँ। जो सर्च करा तो धरा पड़ जाएगा, लेकिन सर्च कैसे करेगा, गूगल पे तो आ जाएगा कि हाँ निशान कंपनी ये, असल में कौन देखने जाएगा वो, सोच रहा इंडिया में कितना हजारों करोड़ों कंपनी है, तुम एक एक कंपनी कौन देख, गवर्नमेंट को देखना चाहिए लेकिन वो भी कितना देख रहे हैं, मीडिया वाला खुद कंपनी उनका तो वही अभी इन लोगों का मानना है कि इंडिया को ऑलमोस्ट ब्लैक, जो ब्लैक इकोनॉमी, वैसी अगर जो इंडिया इकोनॉमी है ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी क्या हुआ, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी क्या बोला था मैंने, जो भी रिकॉर्ड क्या बनता है कैसे बनता है कैसे लोग खरीदता है, तो वैसी ब्लैक मार्केट का जो है, ब्लैक मार्केट का इसमें से शेयर ऑलमोस्ट 25% है, यानी कि अगर इंडिया का ब्लैक मार्केट व्हाइट हो जाए तो इसमें 25% और जीडीपी बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसीलिए जो अभी क्या डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना नोटबंदी, उसमें हम लोग पहले भी आप लोग एक दो सवाल किया था उसके बारे में, अभी जब नोट्स बंद हुआ था ना 1000 ये सब का, तो उससे असल फायदा जैसे हम लोग बोलता ब्लैक मनी जा रहा है, लेकिन उससे जो टॉप का जो 1% लोग है उसको फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि उन लोगों का ज्यादातर जो ब्लैक मनी है वो ऑलरेडी बाहर के अकाउंट्स में है, जो इजीली वो लोग लॉन्डर करके वापस ले आते हैं, ज्यादातर फर्क हम ही लोगों को पड़ा था जो लोग एटीएम में लाइन में लग रहे हैं, अभी छोटा बिजनेस वालों को पड़ा था, तो कुछ ब्लैक मनी आया लेकिन ज्यादातर ब्लैक मनी उस तरीके से नहीं हो पाता। जैसे 2016 पिछले साल में एक पनामा पेपर्स आप न्यूज में देखा था क्या, एक स्कैंडल वाला बहुत बड़ा, इसपे आप जिसको इंटरेस्ट हो इंटरनेट पर देखना ये चीज, पनामा पेपर्स। बेसिकली एक बाहर का कंपनी था, उनका बहुत सारा रिकॉर्ड जर्नलिस्ट लोगों ने कहीं से निकाल के पब्लिश कर दिया था, उस लिस्ट में बहुत लोगों का नाम था जो लोग ब्लैक मनी लेके बैठा होता, और उस लिस्ट में 2-3 नाम ऐसा था जैसे अमिताभ बच्चन जानता है ना, हाँ ऐश्वर्या राय जानता है, उन लोगों का नाम भी था इस लिस्ट में, लेकिन कुछ नहीं हुआ उन लोगों, अभी भी अमिताभ बच्चन खूब फिल्में करता है, एड में आता है, बोलता है ये, लेकिन वो लोग खुद इसमें इन्वॉल्व है, ठीक। तो ये एक्शन नहीं होता है, बात ये है हम लोग बात करते रहते हैं। और एक और चीज, वही जैसे पॉलिटिक्स का बात करता है, कांग्रेस और बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी है ना हमारा, तो 2012 में जब एक गवर्नमेंट चेक कर रहा था ये चीजें, तो कांग्रेस और बीजेपी ने बोला कि उनका साल का इनकम, बस कांग्रेस बोला उनका है 5 बिलियन और बीजेपी बोला उनका इनकम है 2 बिलियन, बड़ा नंबर है ना, बहुत सारा पैसा है, लेकिन नहीं, असल में वो लोग हर इलेक्शन में 100 से 200 बिलियन ये लोग साल में यूज कर देते हैं, बाकी पैसा कहाँ से आ रहा है अगर इनकम बस इतना है तो। यही चीज है, यही ब्लैक मार्केट है, हम लोग जो भी जो ब्लैक मनी करता है, चाहे बिजनेसमैन है चाहे जो है, अगर 100 रुपीज कमा रहा है तो सरकार को बस दिखाएगा कि 20 रुपीज कमा रहा है, बाकी 80 रुपीज जेल में, क्योंकि 20 रुपीज में टैक्स कितना, 2 रुपए अगर देना है तो 2 रुपए दे दिया उसमें 18 रुपीज है, लेकिन बाकी 80 रुपीज क्लीन अपना जेब में जा रहा है बिना कोई टैक्स दे। तो यही ब्लैक मनी का प्रॉब्लम है। इसमें कोई और क्वेश्चन है आपको? हाँ, बीजेपी कांग्रेस वही, बीजेपी और कांग्रेस जो इंडिया का सबसे बड़ा पार्टी है वो बोलता है कि उनका
साल का इनकम बस 5 बिलियन है या फिर 2 बिलियन रुपीस है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ना, लेकिन उसमें भी वो लोग कम दिखा रहे हैं, क्योंकि असल में वो लोग 100 बिलियन से ज्यादा हर साल इस्तेमाल करता है इलेक्शन में या फिर एड में एक दूसरे को वो काम रैली जो करता रहता है इधर उधर, है ना। तो इतना लोग खर्च करता है, अगर इतना पैसा खर्च कर रहा है तो आ कहां से रहा है अगर इनकम बस इतना है, है ना। इकोनॉमिक्स में जो हमने पढ़ा था क्या, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर नॉट। तो अगर रिसोर्सेज बस इतना सा है तो वॉन्ट्स एक्सपेंडिचर इतना कहां से आ गया, है ना, कहां से आ रहा है, ब्लैक मनी, जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन पॉलिटिशियन ये लोग सब मिला है वो लोग वहां से दे रहा है। और इसीलिए फिर बाद में क्या पॉलिटिशियंस को भी बिजनेसमैन का सुनना पड़ता है क्योंकि वो लोग उनको पैसे दे रहा है। अब कल को मान लो राम जी तुम है, तुम कल को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन उससे पहले मैं तुमको खूब पैसा दिया है इलेक्शन के लिए, ये लो कोई बात नहीं, तुम इलेक्शन लड़ो मैं पैसा दे रहा है ना। तो उसके बाद जब ये पीएम बन जाएगा तो इसको मेरा बात सुनना पड़ेगा ना। तो यही प्रॉब्लम है ये पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के बीच में ना। ये फाइनली एक दो बात करता है उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। और जनरली वापस अब मनी का बात करता है थोड़ा ना, कि मनी हमने क्या बोलता, किस चीज से चलता है, क्यों चल रहा है मनी, क्योंकि हम सब इस चीज को वैल्यू देता है ना। वैसे ही क्या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी हम सब वैल्यू देता है वोट देके, इसलिए वो चलता है। कल को हम सब अगर डिसाइड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं, हम लोग नहीं सुनेगा तो नहीं चलेगा ना। तो वैसे ही मनी भी कल को हम लोग बोलेगा कि हम ये जो पैसा नहीं चलेगा, हम एक दूसरे से ऐसे ही बार्टर कर लेगा, तो तब मनी नहीं चलेगा। ठीक, तो क्योंकि हम सब मानते हैं इसलिए मनी क्या बन गया, हमारा एक तरह से पावर का चीज बन गया ना। मनी से पावर आता है क्योंकि मनी से आप क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है ना, खाना ले सकता है, हेल्थ केयर ले सकता है, एजुकेशन ले सकता है, और साथ में किसी और को भी किसी और का टाइम खरीद सकता है। अगर मेरे पास मनी है तो मैं तुम्हारा टाइम खरीद सकता है ना, अगर तुम काम करना चाहो। हाँ, अगर तुम काम करना चाहता है, समझ रहे, मैं आपका टाइम कैसे खरीदूंगा, जॉब से ना। अगर आपको जॉब चाहिए तो मैं आपको पैसा देगा और अपना टाइम आप मेरे को देगा, है ना। तो एक तरह से मेरे पास अगर मनी है तो मेरे पास आपके ऊपर पावर आ जाता है ना, क्योंकि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो इस पे एक बात करते हैं, जैसे कि आप लोग को एग्जांपल अपना सोच के बताओ, आप लोग को जीवन में आपको कितना ऐसा कितना पैसा चाहिए होगा हमेशा के लिए, खुश रहने के लिए और परिवार सिक्योरिटी रहने के, सब कुछ रहने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, बहुत, कितना, 2 करोड़, ओके, 2 करोड़ रुपए परिवार के लिए सब मिला के, 5 करोड़, ओके, कितना हो गया, कितना होता ना, लाख, हाँ 5 करोड़ इतना हो गया। ठीक, इसको 12 से डिवाइड करो कितना होगा, 12 से, हाँ 5 करोड़ डिवाइड करके 60 करोड़ कैसे आए, हाँ ठीक है 5 करोड़ है। अभी तुम कितना साल जिएगा, अभी कितना, सब 15-16 एज होगा, तो कम से कम कितना 30-40 इयर्स तो और जिएगा ना। ठीक, तो 40 इयर्स से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक 50, चलो 50 साल और जिएगा साहब, 50 इसे डिवाइड करता है तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो यानी हर साल के लिए 10 लाख है ना। अब 10 लाख हर साल के लिए आपको इस फिगर से आ रहा है, उसमें हर महीना ऑलमोस्ट 1 लाख तो हो जाएगा काम, है ना, परिवार का भी हो जाएगा, आप लोग का भी हो जाएगा। तो ठीक है 5 करोड़ चाहिए आपको पूरा जीवन के लिए, वो हम मान लिया। अब लेकिन हो सकता है लाइफ स्टाइल अलग हो, जैसे कल को अभी आप पैसा कम है तो हम लोग कम चीजें खरीदता है, अगर ज्यादा पैसा आ गया 5 करोड़ एकदम से आ गया तो क्या होगा, और चीजें खरीदेगा ना, तो हो सकता है पैसा और जल्दी खत्म हो जाए। यानी जैसे अगर अभी एक्शन का जूता डालता है
तो तब फिर नाइकी से कम नहीं डलेगा, नाइकी का जूता लेगा, या फिर अभी अगर तामना में पकौड़ा खाता है तो कल को बर्फपुर जाके डोमिनोज में पिज्जा खाएगा, है ना, ये सब होगा। तो लेकिन धीरे धीरे ये तो ठीक है, हम लोग का बात हो रहा है, अभी धीरे धीरे अगर ये अमाउंट को हम 500 करोड़ कर देगा, 500 करोड़, थोड़े टाइम बाद उसके बाद बढ़ते जाएगा 1000 करोड़, थोड़े टाइम बाद ऐसा है जब आप यूज कर पाएगा इस पैसे को नहीं, या तो आपको बड़ा बड़ा कंपनी खोलना पड़ेगा बैंक में डालना, लेकिन अदरवाइज पैसे का जो बेसिक यूज होता है क्या होता है, बेसिक यूज क्या है पैसे का, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसा देना, एक्सचेंज करना, वो चीज नहीं रहेगा ना। जैसे हम पहले ही बात करें कि क्या हो क्या रहा है, अभी इतना सारा जो दुनिया में पैसा है वो मैंने क्या बोला 1% लोगों के पास है ना, तो वही हो रहा है कि जो ज्यादातर जो पैसा का जो मेन जो काम क्या है, पैसा का मेन काम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना, वो चीज नहीं हो रहा है, पैसा कुछ अलग ही बन गया है, पैसा अपने में ही यानी बैंक में पड़ा पड़ा है, उससे कुछ काम नहीं हो रहा है, ना गुड्स खरीद रहा है ना सर्विस खरीद रहा है, बस बैंक में पड़ा पड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, स्टॉक में बढ़ रहा है, लेकिन असल में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के काम नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, समझ रहे कि जो जिस चीज के लिए पैसा बना था कि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, वो ही नहीं हो रहा अभी, अभी पैसा बस एक ऐसा हो गया कि आप अपना बैंक में रखे रहो, उसमें इंटरेस्ट करते रहो, बढ़ते रहेगा, वैसे सिस्टम में क्या है फायदा, बस इन लोगों को होगा ना, अगर पैसा यूज ही नहीं हो रहा है, कल को चाहे तुम कितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बना लो, लोग उसके लिए खरीद ही नहीं रहे, तो प्रॉब्लम ना। तो इसमें हाँ पॉइंट ये है बेसिकली, वही पैसा जिस चीज के लिए बना था अब उसका वही यूज नहीं हो रहा है ना, पैसा बस एक तरह से एक चीज बन गया दिखाने का कि एक मेडल की मेरे पास 100 करोड़ है, 100 करोड़ यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस 100 करोड़ है ना, मैं अमीर आदमी है, ये नहीं है कि उस पैसे का वो क्या करता है, बस मैं अमीर आदमी है, मेरे पास 100 करोड़ है, समझ रहे, उस 100 करोड़ का आप काम क्या करता है उसका बात नहीं होता आजकल, बस 100 करोड़ है, पॉइंट समझ रहे क्या बोल रहे कि मनी बस एक तरह से मेडल हो गया कि ये देखो इतना पैसा मेरे पास, बस उस पैसे काम क्या कर रहा है, काम नहीं हो रहा है, समझ गया पॉइंट। तो लास्ट एक दो पॉइंट करेगा, और हाँ जैसे मैंने बताया था आपको, पैसा भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है हमारे साथ, है ना, वर्चुअल करेंसी बन रहा है, ये सब हो रहा है, कल को एक टाइम आएगा जब कॉइन्स और नोट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सब कंप्यूटर या फिर फोन के थ्रू होगा, ये सब सिस्टम हो रहा है, तो इस पे बात किया हमने। फाइनली एक लास्ट स्टोरी, किंग मिडास का कहानी सुना है, किंग मिडास सुना होगा, अरे सुना होगा जरूर, एक राजा था, उसको क्या एक पनिशमेंट मिलता है कि वो जो भी चीज टच करेगा वो सोना बन जाता है, है ना, हाँ ठीक। तो इस कहानी में अगर सोचो असलियत में ये चीज हो जाए तो गोल्ड का प्राइस का क्या होगा, कम हो जाएगा, पक्का पक्का कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, तो टोका भी तो सुना बन जाएगा, हाँ ग्रेट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ ठीक। तो क्योंकि क्या हो रहा है, सप्लाई, मैं ये टच कर रहा है गोल्ड हो गया, मैं ये टच कर रहा है गोल्ड हो गया, तो पूरे दुनिया में इतना सारा गोल्ड हो जाएगा कि लोग गोल्ड का वैल्यू नहीं, गोल्ड पत्थर जैसा हो जाएगा ना। वैसे ही जो मैं बार 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 बात आ जाता है कि मनी क्यों चलता है, हम क्योंकि उसको सम वैल्यू देते हैं, वैसे ही आर्ट, डायमंड, गोल्ड, गोल्ड का भी वही चीज है क्योंकि हम उसको वैल्यू देते हैं, आर्ट पेंटिंग का क्यों वैल्यू है, असल में क्या वैल्यू, पेंटिंग को तुम लेकर खा सकता है, कुछ कर सकता है क्या उसका काम, नहीं, लेकिन उसके लिए लोग करोड़ों रुपए दे देता है कोई पेंटिंग के लिए, क्यों दे रहा, अच्छा है, कोई कोई, मैं तुमको अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्रिएटिविटी और आर्ट्स पे है, कुछ कुछ ऐसा पेंटिंग दिखाएगा जिसमें वो बस एक ऐसा ऐसे बना दिया है और कुछ नहीं है उस पेंटिंग में, लेकिन उसके लिए लोग 10 करोड़ रुपए तक दिया है, मॉडर्न आर्ट बोलता है इस चीज को, तो उस चीज में कुछ ऐसा कुछ सुंदर तो नहीं है इस चीज में, बस 2-3 ऐसे लाइन बना दिया ऐसे ऐसे ऐसे, वो दिखाऊंगा मैं, ये प्रोजेक्टर लगा के आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिखाएगा, लेकिन वैल्यू क्यों आ रहा है उस चीज का, क्योंकि सब आर्ट वाला जो लोग है वो सब बोल रहे नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए मान लेता है, कल को जैसे क्या है, मैं कैनवस पे ऐसे धूल मार देगा या फिर कुछ ऐसे कुछ भी कर देगा,
और लेकिन अगर लोग मान लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट है तो यही चीज ये करोड़ों में लगे है ना, वही चीज है क्योंकि हम सब उसको वैल्यू दे रहा है। वैसे ही गोल्ड कप किंग मिडास पे वापस आता है, धीरे धीरे अब ऐसे ही सिचुएशन होगा जब क्या है गोल्ड का क्या है पत्थर की तरह हो गया ना, अगर मैं हर जगह टच करके गोल्ड बना रहा है तो धीरे धीरे लोग उसका वैल्यू कम हो जाएगा ना। गोल्ड एक टाइम आ सकता है जब गोल्ड का इतना वैल्यू गिर जाए कि मैं अगर इतना बड़ा गोल्ड पीस जो कि हाफ किलो गोल्ड होगा या फिर क्वार्टर किलो गोल्ड होगा ये ले जाके अगर मैं शिव का दुकान में जाऊंगा बोलेगा यार ये गोल्ड रख लो मेरे को हाँ मिक्सचर दे दो चॉकलेट, बोलेगा नहीं 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 ये कुछ काम का नहीं है गोल्ड है ना, समझ रहे। तो बार बार यही बोल रहा है कि वैल्यू ये सब चीजें बहुत सप्लाई डिमांड पे फिक्स होता है ना, सप्लाई डिमांड पे निर्भर करता है ये सब चीजें। और किस चीज पे निर्भर करता है, दो चीजें वैल्यू कलेक्टिव वैल्यू जो हम किसी चीज को देते हैं हम सब मिलकर बोलता है। जैसे कल को अगर मैं क्या बोलता है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर है तो मैं बोलता है कि अब से जितना भी जो एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विस का वो चौक से होगा। जैसे अभी बोला ना कि कल से 1000 नोट बंद हो गया 500 नोट बंद हो गया, वैसे कल को मैं बोलता हूँ सारा नोट बंद हो गया सारा कॉइन बंद हो गया अभी से चौक में करना पड़ेगा, तो आप लोगों को करना पड़ेगा उसमें है ना। तो क्या हो रहा है कलेक्टिव वैल्यू जो वैल्यू सब लोग अब चौक को वैल्यू देने लग गया तो चौक ज्यादा महंगा हो जाएगा है ना, चौक पैसा ज्यादा बन जाएगा और चौक धीरे धीरे पावर का सिंबल बन जाएगा। लोग बोलेगा अरे उस आदमी के पास 100 करोड़ चौक है तो बहुत बड़ा आदमी है वो, समझ रहे हैं।